पूछना चाहती थी दिल्ली की सरकार को खिलाने का कैसा आपको सोच आया, परफेक्ट टाइमिंग वैसे तो। देखिए टाइमिंग का क्या है कि सब लोग बैठे जानते हैं कि ग्लैमर और खूबसूरती ने हमेशा तख्त ताज हिलाए हैं, हमेशा से हिलते आए हैं, और आज की भी राजनीतिक परिस्थितियों में भी खूबसूरत चेहरों की ज़रूरत पड़ती है। जब इवेंट बड़े होते हैं, फ़ोन आते हैं हम लोगों को जाने के लिए, रैली आ जाओ, तो बस वो ये ख्याल था। फिर हमारी टीम, डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, सब लोग, एक मन था कि कुछ एक ऐसा गाना तड़क भड़क वाला आए। उस समय मैं दिल्ली में ही ट्रैवल कर रहा था, तो आ गया। अब हम गुनगुना के गा के सुना भी देते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छे लग रहे हैं मुग्धा जी, यू आर लुकिंग जस्ट फैबुलस, एंड कृष्णा सर आई एम ग्रेट फैन ऑफ यू, ग्रेट ग्रेट फैन ऑफ यू। आपकी डांसिंग को कोई मैच नहीं कर सकता, मुझे लगता है दिल्ली की सरकार आपको करना चाहिए था। आई वुड वेट फॉर दैट। मेरी जबानी गजब है राजा, नजर मेरी तलवार। यार तालियां बजाइए ऐसे सूखे सूखे नहीं। जहां जहां से गुजर गई सब है दिल के बीमार। मैं जो दिल्ली गई एक बार, हिल गई दिल्ली की सरकार। मैं जो दिल्ली गई एक बार, हिल गई दिल्ली की सरकार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेल इनको डांस करवाने वाले को भी तो कर देना चाहिए, लाइक वी शुड हैव लॉलीपॉप जी एंड मिताली जी टू प्लीज जॉइन अस। अच्छा है प्रवीण जी आप टोपी नहीं पहनते ना, समझ में नहीं आता कौन लॉलीपॉप सर है कौन कौन है। अच्छा तो सर ऐसे कोरियोग्राफी कैसे सोची आप? इन्होंने तो पूरा बताया कि इलेक्शन में दिल्ली गया, ऐसा ऐसा सोचा इन्होंने वहाँ गाना, तो आपने कैसा सोचा सर? दिल्ली में जाके नहीं आया हूँ, आप दिल्ली में थे, लेकिन मैं यहीं पे अपने अंधेरी में हो गया था। और अंधेरी और चांदीवली में मैंने सोचा कि दिल्ली तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बिल्लियों से काम कर लिया, मैंने काम चला लिया तो। लेकिन मुग्धा ने बहुत मेहनत की है इसमें, आई एम वेरी मच हैप्पी टू सी हर टुडे। नहीं, कृष्णा ने 2-3 रिहर्सल किया है और मुग्धा ने 1 साल रिहर्सल किया है, क्योंकि क्या हुआ कि एक साल के बाद शूट हुआ, 1 साल पहले 2 दिन किया था और 1 साल के बाद 2 दिन किया, मतलब 4 दिन रिहर्सल किया है। बट थैंक यू, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, और गाने मुझे अच्छे मिले इसके लिए मैंने दिखा सका कि दिल्ली की सरकार हो या फिर कृष्णा फरारी से आया था तो उसी में गाना एक कर लिया हमने फरारी का। थैंक यू वेरी मच। और ये मिताली है, ये बोलेगी कुछ फरारी के लिए जो कृष्णा को डिजाइन किया है कृष्णा के लिए। ओके, तो फरारी सॉन्ग तो आप लोग सबने अभी देखा कि कृष्णा बहुत ही अलग लुक में आपको दिखाई देंगे इस गाने में। वी हैव वर्क्ड अ लॉट ऑन द सॉन्ग, हमारा होमवर्क बहुत स्ट्रांग था क्योंकि इस बार हम लोगों को कृष्णा को एक अलग रूप में देखना था, क्योंकि बहुत बॉलीवुड कर लिया उन्होंने और बहुत बॉलीवुड करवा लिया सबने उनको। इस बार यू विल सी अ रियली वेरी डिफरेंट अवतार, अ हॉट हंक, यू नो, काइंड ऑफ एन एक्टर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो या कृष्णा ने बहुत मेहनत करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड डांसर ऑलरेडी, बस लेकिन द सॉन्ग हैज़ कम आउट रियली वेल, एंड थैंक्स फॉर द सॉन्ग सर अगेन, एंड थैंक यू कृष्णा फॉर परफॉर्मिंग इट सो वेल, एंड इट लुक्स रियली ग्रेट। And thank you Neelkant sir, thank you Manoj sir, thank you everyone, thank you Mukta. Of course, Delhi ki sarkar looks amazing too. So thank you everyone.
मेरे जो भी हम फिल्में करते हैं या जो भी शोज वोज करते रहते हैं, फर्स्ट टाइम हाफ हार्टेडली आज जेन्युइन मैं, और जो भी मैं बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, हाफ हार्टेडली आज मैं रेडी होकर आया हूँ। मैं मेकअप वेकअप भी कर रहा था, मैंने कल प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को भी फ़ोन किया था, मेरी बात हुई कि आज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर अस फॉर अ म्यूज़िक रिलीज और यू नो टू बी फॉर एन ओकेजन। इनकी जो भी मजबूरी थी आज देखा आपने कि हमने कोई ताम झाम भी नहीं किया है, कोई गेस्ट भी नहीं बुलाए या इस तरीके से नहीं, हमने बोला चलो अपने आपस में ही हम लोग विल जस्ट कम, वो भी क्योंकि पिक्चर इनकी 15 तारीख रिलीज़ है, परसों से गाने आने हैं यूट्यूब पे जी टी वी पे। तो आज फर्स्ट टाइम हाफ हार्टेडली हुआ है बिकॉज मैं भी बहुत अपसेट था जब सुना, बहुत ही अजीब सा लग रहा था, एक अजीब सी फीलिंग भी थी, गुस्सा भी था, बोलते हैं मिक्स्ड इमोशंस थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, कैसे रिएक्ट करें, क्या करें। बल्कि देहरादून में मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, देहरादून के एक मेजर हैं जिनकी डेथ हुई, मैंने अपनी फैमिली को बोला कि आप लोग जाइए वहाँ पे, मैं भी आऊँगा। अब क्या है कि दुख सबको है, तकलीफ सबको है, लेकिन अभी आप कर क्या सकते हैं, लोगों के लिए कितना कर सकते हो। मैंने बोला फिजिकली मैं शूटिंग कर रहा हूँ इतनी देर से, मेरी आप आवाज़ रही हो डे नाइट, मेरी वेब सीरीज़ चल रही है ऑल्ट के लिए, तुषार कपूर के साथ एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को वक्त नहीं था, नहीं तो मैं तो इमीजिएटली फ्लाई करके चला जाता। बल्कि मैं अभी जाऊँगा देहरादून में, जो मेजर है उनके यहाँ, मैं किसी के लिए कुछ फिजिकली कर सकता हूँ, प्रेजेंट होके कर सकता हूँ, कुछ जो भी मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, आई वुड वॉन्ट टू डू। तो चलिए जो भी था, लेकिन आज अपना म्यूजिक रिलीज हो गया, 15 तारीख को जो है पिक्चर रिलीज है शर्मा जी की लगी। अभी तो देखिए आप अपना काम है, अपना काम करके छोड़ दो, उसके बाद फीलिंग तो अभी बाद में पता चलती है, फिर 16 तारीख को फीलिंग का पता चलेगा फिर तब क्या होगा, फिर हम लोग बॉम्बे से बाहर चले जाते हैं ना, पिक्चर कुछ या तो ऊपर नीचे होती है या कुछ होता है, लेकिन ठीक है आज की डेट में क्या है, सी आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है। कॉन्टेंट जो है, हमने एक लाइट हार्टेड छोटी कॉमेडी फिल्म बनाई है, बस लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे वो मुग्धा का गाना पसंद है, दिल्ली की सरकार, मुझे अपना गाना इतना ग्रेट नहीं लगता है, मुझे मुग्धा का गाना ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो थोड़ा पेपी नंबर है, थोड़ा मासी नंबर है, तो मुझे लगता है कि वो अगर इन जितने गाने थे वो गाना मुझे सबसे बेस्ट लगा, मेरा वाला मुझे इतना ठीक ही लगा। हाय सुमित, कैसे हैं आप? बहुत बहुत ज़्यादा, बीच में मतलब ऐसा हालत हो गई थी कि फरहाद मेरे डायरेक्टर जो हैं, फरहाद सामजी बालाजी के जो ऑल्ट के लिए सॉरी जो मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक दिन पैकअप कर दिया, बोले इसको भेजो सुला दो। बल्कि 20 दिन हो गए, आई हैव नॉट स्लेप्ट, आई हैव बीन जस्ट शूटिंग डे एंड नाइट, बिकॉज मैं कपिल के साथ करता हूँ शूटिंग, फिर अगले दिन वेब सीरीज़ करता हूँ, फिर कपिल के साथ करता हूँ, फिर क्योंकि मेरी डेटें हैं, मैंने बालाजी को डेटें मेरी दी हुई है 25 दिन की, फिर उसके साथ मेरा OMG मेरा इंडिया का भी शूट होता है, फिर उसके बीच में इनका म्यूज़िक रिलीज भी होता है। मैंने गोविंदा जी से सीखा, उन्होंने सिखाया था जब वो आए थे, तो बोलते हैं मैंने 50 की थी, आज का दौर तो वैसा नहीं है, तू 10 तो कर ही सकता है। शुक्र है ये पहुँच रही है थिएटर तक, तो अच्छी बात है कि क्योंकि मेहनत करके ऐसे बहुत डब्बे में पड़ी रहती है, मेरी भी एक दो हैं, वो फिर आती नहीं, रिलीज़ ही नहीं होती, लेकिन मैं शुक्र मानता हूँ क्योंकि फिल्म के लिए मेहनत बहुत लगती है ना, सबका पैसा लगा होता है, प्रोड्यूसर का बेचारे का और हम लोगों की मेहनत, हमारा टाइम, तो वो जब बंद पड़ जाती है तो फिर बहुत दुख होता है यार इतनी मेहनत करने के बाद, तो वी आर हैप्पी एटलीस्ट सामने तो आए भले जो होना हो। सी आपके आज की डेट में ये है कि कंटेंट बेस्ड फिल्में चल रही हैं, ये बैनर नहीं लगाते लोग थिएटर में नहीं आते, आइए सर। कंटेंट बेस्ड फिल्में जो हैं वो चल रही हैं, कंटेंट अच्छा होगा तो कोई फिल्म आज की डेट में छोटी नहीं है, कोई फिल्म बड़ी नहीं है,
अगर आप 2 घंटा एंटरटेन रखते हैं, खींच के रखते हैं लोगों को, तो फिर पिक्चर अच्छी निकल जाएगी। कुछ नहीं, ऐसे इन लोगों ने लिखा दिल्ली की सरकार, वो जैसे दिल वालों के दिल का करार लूटने आई यूपी बिहार लूटने। एक तो मामा के गाने पे तो कोई क्वेश्चन उठ गया था, कौन सा चुम्मा तुम मुझको उधार देते बदले में यूपी बिहार, तो इसमें हम कुछ दे नहीं रहे ना बदले में कि चुम्मा दे दे या कुछ ऐसा, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। इसमें बस दिल्ली की सरकार हिला दिया है। अब वो लड़की का गाना, आप लड़की से पूछिए मेरा क्या लेना था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी तो कहाँ हूँ। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ, लेकिन हाँ आ जाता है निकल के, क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं उनके साथ, उनके देखिए वो मेरे, मैं उनको प्यार करता हूँ, ठीक है, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मामा हैं, 4 थप्पड़ मार लेंगे मुझे, गुस्सा कर लेंगे, वो उसके लिए मैं तैयार हूँ, और वो करते भी हैं, किया भी उन्होंने, इज़ ओके इज़ नॉट। बाकी मामी मेरी ज़्यादा बात नहीं करती हैं, लेकिन वो भी मैं उनको प्यार से फिर उनको भी मना लूँगा, मैं तो बच्चा हूँ घर का। कपिल शो तो हमारा नंबर 1 चल रहा है, बहुत बढ़िया TRPs हैं, 4-5 कितने मेरे ख्याल से 6-7 वीक हो गए हैं, अभी भी हम लोग बढ़िया जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी कपिल के बारे में कहा था एक पेपर में कि मैं इज सच अ हार्ड वर्किंग गाय, बिकॉज इतने सालों के बाद आई हैव बीन मीटिंग हिम, हम साथ में काम कर रहे हैं, वो इतना हार्ड वर्क करता है, बल्कि अपने खुद के एंट्रीज पे वर्क करता है, मेरे साथ भी प्रॉपर रिहर्सल करेगा, जैसे अभी मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा, आई विल बी गोइंग एंड मीटिंग हिम, बिकॉज फिर से हमारी शूटिंग है। तो स्क्रिप्टिंग करना, पूरे शो पे ध्यान देना, मेरे पे ध्यान देना, भारती पे ध्यान देना, क्या करेगा कैसे करे, तो आई थिंक ये हार्ड वर्क जो है उसी इसीलिए पे किया। आप देखेंगे एक एपिसोड में भी मैंने स्टेज पे बोल दिया कपिल के लिए, और मैंने पेपर में भी कहा कि मैं बटरिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं शो कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, बट इट्स ही इज़ रियली अ वंडरफुल गाय एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। वो तो फिर कपिल बताएगा, अभी मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ है नहीं, वी आर वेरी हैप्पी, ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी विद अस। सुनील का पता नहीं, आ जाओ आ जाए, अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है उसमें। मिलता जुलता तो नहीं है, देखिए अपना अपना स्टाइल होता है, वैसे एज अ कॉप बहुत बड़ी फिल्में आई, बहुत बड़े एक्टर होने की, सबका अपना अपना सिस्टम है, स्टाइल है काम करने का, ऐसे ही हम भी 3-4 लोग हैं टेलीविजन में भी, तो सुनील का अपना स्टाइल है, वो अपना स्टाइल बहुत अच्छा करता है, हम अपने हिसाब में अपना अलग करते हैं। अर्चना जी आ रही? देखिए अर्चना जी तो ऑलरेडी 3 हफ्तों से हमारे साथ, जो कि उन्होंने भी कहा, ये नहीं कि अभी जो भी हुआ उसके बाद कोई डिसीजन लिया गया कि अर्चना जी आएंगी। अर्चना जी, सिद्धू जी वैसे ही बीच में बिजी थे, तो 3 वीक से वी आर शूटिंग विद अर्चना जी, बट अभी चक्कर है कि मेरी अर्चना जी से बात नहीं हुई है, क्योंकि अर्चना, मैंने पेपर में पढ़ा, अर्चना जी कहती हैं कि उन्होंने डिनाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, उन्होंने कहा मैं तो 2-3 एपिसोड आई थी, तो ऐसा कुछ नहीं कि अर्चना जी रिप्लेस कर रही हैं किसी को, या फिर अब सी इट्स अल्टीमेटली चैनल डिसीजन, सोनी क्या डिसीजन लेता है अभी। देखिए वो तो चैनल डिसीजन है, एज एन आर्टिस्ट तो मुझे अभी एग्जैक्टली पता चलेगा जब मैं अर्चना जी से कल मिलूंगा, कपिल से मिलूंगा, कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सिद्धू जी ने कहा, देखिए मैं राय देने, मैं इस चीज़ पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया कि आते आते मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था कि कैसे करेंगे ये करेंगे, अब इधर उधर जाने से अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए। तो अब आप पूछेंगे मुझसे कि आप कर क्या रहे हैं, तो मैं देहरादून के एक मेजर थे जिनकी डेथ हुई थी, तो मैंने अपने फैमिली को भी कांटेक्ट किया, फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया कि तुम लोग जाओ कुछ क्या कर सकते हो उनके लिए, फैमिली के लिए, मैं खड़ा हूँ, मैं आऊँगा, व्हाट आई कैन डू फॉर पीपल आई एम रेडी टू डू। सी प्रेयर्स तो सब करते रहेंगे, लेकिन घर बैठ के प्रेयर्स के साथ साथ आप फिज़िकली क्या कर सकते हैं किसी के लिए, और क्या स्टेप उठा सकते हैं,
किस चीज़ में शामिल हो सकते हैं, जैसे अभी अशोक पंडित और हरभजन पाजी और जितने लोग थे उन्होंने स्टैंड लिया। मैं तो शूटिंग में बिजी था, अदरवाइज मैं भी जाता, आई वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। देखिए मैं ना अभी कपिल को मिलूंगा थोड़े ही 2 घंटे में, आई थिंक ही विल बी हियर, उसकी फ्लाइट है, तो आई विल मीट हिम, आई विल सी, आई डोंट नो व्हाट ही हैज सेड, व्हाट हैज हैपेंड, सिद्धू जी से क्या बात हुई है, क्योंकि सिद्धू जी से मेरी भी कोई बात नहीं हुई है, तो लेट मी मीट कपिल फर्स्ट, देन आई एम All open to comment or to say anything about this. Okay, Abhishek, एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो है कोबरा पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन में आपका भी नाम लिया गया है। किसमें? मतलब कोबरा पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन, जहाँ पे 36 एक्टर्स को स्टिंग किया गया था। मेरा? जी बिल्कुल, उसमें आपका नाम आ रहा है। नहीं, ये बोल मतलब वो स्टिंग ऑपरेशन इस पर था कि अगर आपको पैसे ऑफर किए जाए तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे और अपने? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बीच में मेरी सिर्फ मुलाकात हुई थी संजय निरुपम जी से और असलम शेख से, जो मेरी फोटोग्राफ छपी थी पेपर में, उसी की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा होता तो मेरे घर के नीचे से आप लोग सब आगे होते तो ऐसा तो कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैंने सुमित को इसलिए कहा कि आई डोंट वॉन्ट से एनी थिंग अबाउट दिस, आई वॉन्ट टू डू, इफ देर इज समथिंग, मीडिया इज देर, यू गाइज आर gonna, if you have planned something, if you are doing something, let me know, and believe me, I'll be the first person to come and help or do physically be present or anything, kuch bhi karna chahe, bilkul definitely I am with them. Jab maine paper mein padha, maine bola inhone bahut acha kiya aur ye correct decision liya hai, I support them. Main to interview mein keh bhi raha hu ke they have taken a right decision and I am with them. Isme kuch alag nahi hai, waisi hi hai jaisi film mein aati hain, normal एक कॉमेडी फिल्म जैसी आती है। कॉमेडी फिल्मों में कुछ ऐसा कुछ वो नहीं होता, एक ट्विक जैसे रोमांटिक फिल्म में या एक्शन में कुछ इस तरीके का। कॉमेडी एक नॉर्मल जॉनर है जिसमें एक मुद्दे को लेकर जो है पूरी, आप कैसे सिचुएशनल कॉमेडी करते हैं, पंचों वाली कॉमेडी करते हैं, उसी तरीके से मनोज जी ने एक बहुत ही सिंपल फैमिली फिल्म है और बड़ा ह्यूमर रखा है इसके अंदर। देखिए सीरियस करेंगे तो फिर लोग गाली देंगे कि ये पता नहीं कहाँ इनका अच्छा कॉमेडी का चल रहा है थोड़ा बड़ा, तो फिर बाद में इतना सीरियस होगा। अभी टाइम है, ऐसा भी नहीं कि बहुत उम्र हो गई कि अभी जल्दी जल्दी फिल्में कर लो, है ना, 4-6 बैनर पे आ जाओ। हाँ तो मैंने चलो अभी टाइम है, तो 15 मार्च को रिलीज़ है हमारी फिल्म शर्मा जी की लग गई। वो तो मैंने अभी मांग लिया था अजय सर से, अजय सर ने बोला ना जब मैं आया स्टेज पे, मैं बैठा था उनके सामने, तो मैंने बोला, तो अजय सर ने बोला बोल बच्चन में बहुत अच्छा काम किया था। मैंने बोला उसके बाद तो आपने क्यों लाया मुझे, तो मैं उनके पीछे पड़ गया। मैंने बोला रोहित सर के भी पीछे लगा था मैं एक बार, तो उन्होंने मुझे बोल बच्चन दी थी। मैंने बोला अजय सर ने बोल दिया जाते जाते मेरी अगली फिल्म में तो मेरे साथ है। मैंने बोला ये आपने गलती की, अब मैं आपको पीछे पड़ जाऊँ, मेरा वही प्लान है एक्चुअली। फिर उसके बाद क्या, हमारा शो तो चलता ही रहेगा क्योंकि शो चलना ही है बढ़िया, तो बीच में ऐसे बोल बच्चन भी जैसी भी 2-3 बोल बच्चन 2 आनी चाहिए, तो मैं रोहित सर को बोलता हूँ हमेशा। 1 करोड़ तो अभी मिलेंगे मुझे। नो आई हैव नॉट री इन्वेंटेड माई सेल्फ, आई वॉज इवन गुड बिफोर, पहले भी अच्छे काम करता था, इतने 10 साल शो चलाया यार हमने, लेकिन री इन्वेंट नहीं कहूँगा, मुझे थोड़ा सा नॉर्मल किया हुआ, मतलब आई वॉज वेरी लाउड बिफोर और आई यूज टू परफॉर्म विथ टू मच ऑफ एनर्जी, तो ये मेरे लिए अलग इसीलिए है थोड़ा सा, बिकॉज इसमें बहुत सबड्यूड हूँ और इसमें क्रेडिट पूरा जाता कपिल को, भरत जी को, भरत कुकरेती हमारे क्रिएटिव हैं, भरत जी, कपिल और वंकुश एक राइटर है हमारा, इन तीनों को क्रेडिट जाता है। कपिल ने भी मुझे बहुत कंट्रोल किया था जब मैं रिहर्सल करता था, तो होता है ना हम गिव एंड टेक आर्टिस्ट के साथ कभी करते हैं, कभी कोई सजेशन हो जाता है ये वो, तो जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो पहली बार ऐसा होता कि कृष्णा बहुत लाउड होता है, एनर्जी में रहता है, तो थोड़ा सबड्यूड रह के देखते हैं। लकीली कि वो बढ़िया जा रहा है एंड एवरीवन इज लविंग इट। देखिए मेरा क्या था कि जब मुझे उस टाइम पे ऑफर हुआ था ना उस तरीके से, तो उसमें बहुत सारे पार्ट बन के नहीं जाऊँगा, मतलब 1-2 बार आ गए
दो बार आके चार बार आके चले गए, तो वैसा मैं नहीं करना चाहता था। बट मैं अगर कोई सीरीज़ करूँ, जैसे अब ये सीरीज़ शुरू हुई है, इसीलिए आई वॉन्टेड टू डू द सीरीज़। एंड कपिल भी इतने टाइम बाद वापस आ रहा था, सलमान भाई इज़ द प्रोड्यूसर, व्हाट एल्स यू वांट, एंड वी हैव अ गुड टीम, सब लोग साथ में थे, तो नाउ आई एम अ टोटल पार्ट ऑफ द शो। आई एम नॉट जस्ट एक बार आया और फिर पता नहीं किधर गया, वैसा मुझे नहीं करना था। और अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ सब लोग जुड़े हैं, कपिल इज़ डूइंग वंडरफुल, भारती, मैं, कीकू इज़ ऑल्सो देयर हु इज़ डूइंग वंडरफुल, तो पूरी टीम है और बढ़िया चल रहा है, लोग इन्जॉय करें और क्या चाहिए, हम तो डॉक्टर का काम कर रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं इस लोगों को। नहीं, मैं जब कहानी नीलकंठ जी को, मेरे प्रोड्यूसर साहब को सुनाया, तो फर्स्ट जहन में नीलकंठ जी ने कहा कि ये तो कृष्णा एनर्जेटिक एक्टर, और एक ब्रजेंद्र काला जो बड़े नेचुरल परफॉर्म करते हैं, तो दोनों का मिश्रण और मुग्धा गोडसे, एक फैशन और एक्टिंग, तीनों का बड़ा अच्छा मिश्रण है फिल्म शर्मा जी के लिए। बड़ा खुशी होती है कि हम लोगों ने एक टीम वर्क के साथ आठ नौ महीने में एक प्रोडक्ट को रेडी किया है और आज दिखाया सबको, तो उनके रिएक्शन इतने पॉजिटिव आ रहे हैं। भाई हम लोग तो माँ तो बेबी है, फिल्म हमको अच्छी लगनी है, लेकिन जब सब लोग उसकी तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर को यही तो इच्छा होती है कि सब लोग खुश रहें और ऑडियंस मजे लें। फुल हंसते हंसते फिल्म बनी है। मेरे प्रोड्यूसर्स ने मुझे एक तो मौका दिया कि जो आपको चाहिए फिल्म अच्छी बनाने के लिए, वो रिक्वायरमेंट मेरी सारी पूरी गई, मेरे मन मुताबिक एक्टर इसमें चूज़ करने का मौका मिला। जैसे कॉमेडी फिल्म में हम लोग सेट पे इतना मस्ती और हंसते थे, तो हंसते और बेसिकली जब तक कॉमेडी फिल्म में और हम सब ना हंसें, ऑडियंस कैसे हंसेगी। तो सबसे पहले खुद को एंजॉय करना होता था, तो कुल मिला के हंसने खेलने वाली फिल्म है और हंसाएगी 100% दर्शकों। सॉन्ग इस फिल्म में चार सॉन्ग हैं, जैसे कि हमने अभी प्ले किए, चारों सॉन्ग गुलदस्ता है, प्रवीण भारद्वाज जी ने लिखा, बड़ा खूबसूरत है और म्यूज़िक इतना खूबसूरत दिया है, और गुलदस्ता है, चारों आपने सॉन्ग देखे तो फ्लेवर अलग अलग है और फिल्म के साथ जाता है, ऐसा नहीं फिल्म में जैसे होता है बहुत सी फिल्मों में सॉन्ग आ गया, तो कहानी को नरेट करता है हमारे सॉन्ग, और म्यूज़िक इतना अच्छा है और जी म्यूज़िक ने रिलीज़ कर रही है, तो डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। 2 weeks बैक हमने ट्रेलर लॉन्च किया था, इस बार हमने म्यूज़िक लॉन्च किया है, अभी एक महीने में हमारी पिक्चर रिलीज हो जाएगी 15 मार्च को। सो इट्स अ हैप्पी टाइम, इट्स अ बिजी टाइम, थोड़ा सा आज म्यूज़िक आप लोगों को पसंद आया ही उम्मीद करती हूँ, और हमारे 4-5 जो गाने हैं हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे से बनाए हैं, सो वी आर वेरी हैप्पी दैट इट्स लॉन्च नाउ एंड इट्स ऑन द रिलीज, सो जस्ट गो एंड वॉच इट एंड एंजॉय इट। इट्स ऑलवेज एन एक्साइटमेंट टू रिलीज़ अ फिल्म, क्योंकि बहुत मेहनत जाती है हर एक पिक्चर में, इसमें तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत है, और मनोज जी ने बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई है, सो आई थिंक वी ऑल आर एक्साइटेड एंड वी हैव लेस टाइम, बट सोशल मीडिया है तो हम जम के प्रमोशन करेंगे। Obviously my song, दिल्ली की सरकार, obviously. उसके बाद I like झुंझुना, I think that's a very nice overall movie का जो एक flavor बताता है, that's झुंझुना, but I definitely like my song. Yeah. No, no, this is just one of the satire songs, so just people having fun in the gown. चार गाने हैं एंड बहुत ही उम्दा चार गाने हैं, सो आई जस्ट एंड अलग अलग तरीके के हैं, सो आई थिंक यू विल एंजॉय, थैंक यू, हो गया थैंक यू थैंक यू। म्यूज़िक लॉन्च एज यू हैव सीन द सॉन्ग्स, चार ही गाने हैं, बहुत उम्दा और बढ़िया गाने हैं, आई लाइक देम, आई एम श्योर यू लाइक इट, और सिंस टुडे दे विल बी ऑल आउट देयर, सो जाइए देखिए। चार गाने हैं, चारों के फ्लेवर्स अलग अलग हैं, और माय फेवरेट ऑब्वियसली माय सॉन्ग दिल्ली की सरकार, तो या
No, I just thought I'll wear a sari today. This designer has sent me a beautiful sari called Puchika. So I wanted to wear it for something nice. So I thought music launch will be a good thing. Aap log sab log aate hai. So, you know, it will be nice to showcase. And my look in the movies also a sari look. So I thought let me stick to the look here. उसका नाम है शोभा और शी इज़ मैरिड टू अ वेरी मैन हु इज़ लाइक 25-30 ईयर्स एल्डर टू हर एंड बेसिकली एक इसकी कहानी है, एक गांव की कहानी है जहाँ पे एक छोटा सा गांव है. वो हस्बैंड को हमेशा लगता रहता है कि मेरी बीवी पे सारे डोरे डाल रहे हैं बिकॉज ही इज़ ऑलवेज इनसिक्योर्ड बिकॉज ऑफ द एज गैप. बट देन इट्स नॉट लाइक दैट, बट हाउ द रोमांस इज different and simple and there are a lot of controversies happen. Then Krishna's characters come in and he has a love story, so there is a lot of mix and match and confusions happening as a any Hindi masala movie comedy. So that's all that's happening here. Romantic track with Krishna, yani matlab kuch extra no, so once you see the film you'll understand, otherwise mujhe sari story yahi batani padegi. Thoda hint dijiye. What hint, Sumit? Go and watch the film. You're not watching the film? 15th March. एक महीना ना तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. गाने देखो तब तक. Okay. नहीं एक चीज और. The tagline of the film, वो उसका क्या significance है? What is the tagline? शर्मा जी नहीं वो तो फिल्म का नाम है. हाँ चुआरे बिकॉज द खाला जी का जो कैरेक्टर है ही इज अ राइटर हु राइट्स सेक्स कॉलम्स इन कृष्णास न्यूज़पेपर. सो सबको वो छुआरे बांटते रहते हैं. नाउ यू विल वॉच द फिल्म देन यू विल नो व्हाई वो छुआरे बांटते हैं. मुझे भी पहली बार ही पता चला छुआरों का ऐसा भी इस्तेमाल होता है. सो सो या एंड द मिल्क आल्सो प्रोबेबली या छुआरों को मिल्क के साथ पीना होता है एंड व्हाटएवर आई डोंट नो. ओके नहीं थैंक यू. हाँ आइए नो हाँ आइए डेफिनेटली. आपको लग रहा है कंटेंट अब जो फिल्मों में है वो बदल रहा है? एंड टोटली सिनेमा हैज चेंज टोटली. फिलहाल ऐसी पिक्चरें आ रही है जिसमें यू नो you can do a lot of things which you couldn't do earlier, script wise, storyline wise. It's not supposed to be a girl or a boy and they fall in love. There's a lot of things happening, so it's a different time. Every character important hota hai. Yes, yes, correct. Every character is important and script based different stories, small stories in a nice way presented. आप वेब सीरीज को एक्सप्लोर कर रहे हो? यस आई हैव बीन डूइंग फ्यू. सो वंस दे रिलीज यू विल नो. मधुर काफ़ी प्रशंसा करते हैं आपकी हमेशा और अभी एक नई फिल्म में उनकी कह रहे हैं ऐसा शुरुआत करने वाले हैं, आप शामिल होंगी उसमें? आई एम गोना कॉल हिम राइट अवे आफ्टर दिस बिकॉज मुझे पता था लेकिन अभी आपसे पता चल रहा है तो मुझे फ़ोन करना पड़ेगा कि सर मुझे भी. नहीं, वो डेफिनेटली आप बहुत प्रभावशाली अभिनय करेंगी, ये हमारा पूरा सबका विश्वास है. थैंक यू. और कुछ संवेदनशील संवेदना प्रकट करना चाहोगी आप हमारे? देखिए मुझे पता है हमारा देश अभी एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है. आई एम वेरी सैडन्ड विद द फैक्ट व्हाट हैज़ हैपेंड. तो मैं अपनी सारी एनर्जी राइट नाउ आई वांट टू गिव डू प्रेयर्स फॉर द मार्टर्स फैमिलीज एंड गिव देम स्ट्रेंथ एंड डू एनी काइंड ऑफ हेल्प विच इज़ इन माई हैंड. आई थिंक अथॉरिटीज़ आर टेकिंग राइट एक्शंस टूवर्ड्स द कल्प्रिट्स एंड दे आर डूइंग देयर जॉब्स. I don't want to say anything. Yes, a patriotism doesn't mean always raging, but yes, it means helping and praying and giving strength, and that's all I want to do right now. जो कुछ दिनों में पता चला है फिल्म इंडस्ट्री की कई संस्थाओं. So that's everybody's thing. So I want to just I'm doing help in my way, and you. So I don't want to comment much on this because right now na बहुत sensitive मामला है. So. Thank you. Thank you very much. Thank you. Wait, hold.